हेलो बेटा, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो आज की क्लास के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और तो क्या, बढ़िया से तुम लोग बढ़िया से पढ़ रहे हो, दिमाग लगा के, एकदम मन लगा के पढ़ रहे हो। मालूम है कि इस साल के अंदर आप लोगों को निकाल देना है बेटा, मेहनत करनी है खूब दबा के, खूब बढ़िया से। हम लोग आपके लिए बेटा यहाँ लगे हुए, तो देखो बेटा छोड़ना नहीं ना तुम्हारा करियर, तुम्हारे माँ बाप के वो ड्रीम्स, वो तुम्हारे अपने पर्टिकुलर ड्रीम्स, कितनी सब चीज़ें हैं बेटा, इतनी सब बातें हैं जो तुम्हें याद रखनी है, तुम्हें जाननी है और तुम्हें भूलनी नहीं बेटा। ये क्लासेस मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए इस तरीके से हूँ कि तुम याद रखो कि तुम्हें वहाँ पहुँचना है जहाँ पहुँचना इतना मुश्किल कि इंडिया में सब नहीं पहुँच पाएंगे। तुम वो सिलेक्टेड फ्यू इंडिविजुअल्स हो जो वहाँ पहुँच पाओगे, और किसकी दम पे? अपनी मेहनत के दम पे। दुनिया में जो सबसे स्ट्रांग लोग समझे जाते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा ऐसे लोग समझे जाते हैं कि मतलब जिन्होंने दुनिया जीत ली, जो हिस्ट्री के पन्नों में जिनका नाम लिखा जाता है ना बेटा, वो लोग होते हैं जो, वो लोग कहाँ से लाते हैं इतनी हिम्मत? अगर ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो तो मैं इसमें सिंपल सा ये बात कहूँगा कि उनकी हिम्मत, उनकी वो डेडिकेशन उनके उन ख्वाबों से आती है। वो अपने ख्वाबों से, अपने ड्रीम से इस कदर जुड़े हुए होते हैं कि उनको मालूम होता है कि मुझे यहाँ पहुँचना है। और अंडर एस्टिमेट मत करना ख्वाबों की शक्ति, इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है ये, इतना ज्यादा होता है कि आपको इनफैक्ट मतलब अगर आप कुछ ना गोल सेटिंग पे बेटा बुक्स वगैरह पढ़ोगे ना, तो आपको ये बात मालूम लगेगी कि क्या होता है कि एक तरीके का मतलब गोल सेटिंग का प्रोसेस होता है जिसमें इतनी हद की लेवल ऑफ डेडिकेशन आ जाती है ना, तो एक आदमी हब से अपने, एक व्यक्ति अपने हर एक्शंस को लेके सोचता है और पूछता है कि मैं ये कर रहा हूं तो क्या ये मुझे मेरे गोल की तरफ लेके जा रहा है, क्या उससे दूर लेके जा रहा है, या मुझे लेके कहीं नहीं जा रहा, बस मुझे वहीं पे रोक दे रहा है। ये वाला क्वेश्चन ना, अगर आप दिन भर अपने बारे में अवेयर हैं, इस क्वेश्चन को दिन भर बेटा आप अगर आप आंसर कर सकते हैं ना, तो मुझे इस बात की श्योरिटी है कि तुम दिन भर अपने आप को रियलाइज करा सकते हो कि क्या तुम्हें कहाँ पहुँचना है। जब बेटा अंदर से मेहनत हो रही होती है ना, तो जब मेहनत होके जब हमारा रिजल्ट आ रहा होता है, जब मेहनत होके हमें असर दिख रहा होता है कि हाँ वो याद किया था, वो भी याद, वो पढ़ा था वो भी याद है, वो पढ़ा था वो भी याद है, तो आपको मोटिवेशन के लिए कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ती, आपको मोटिवेशन के लिए कुछ नहीं है, ऐसा दिमाग भारी नहीं होता कि यार वो भी छूट गया वो भी छूट गया, एक बोझ नहीं होता है। आप जब लगे रहते हो ना, तो कुछ दिन, सिर्फ बता रहा हूँ कुछ दिन की मेहनत, वो थोड़े से दिनों की जो मेहनत होती है, वो मेहनत आपको क्या करती है, आपको मुश्किल लगती है स्टार्टिंग में ना, वो मेहनत मुश्किल लगती है, लेकिन जब जैसे ही तुम फ्लो में आ जाते हो ना, जैसे उस भाव में आ जाते हो, जैसे उस टेम्पो मोमेंटम बन जाता है ना बेटा जिस तरीके से, तो वो जब मोमेंटम बन गया ना, तो फिर आप देखो क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप उस प्रोसेस को एंजॉय करने लगे। वो प्रोसेस अब बोझ नहीं, आपको मजेदार लगने लगेगा। पढ़ाई जो बाकी लोगों को बोझ लगती है, बाकी को लोग तो ओ शेट यार आज इतना पढ़ना पड़ेगा, ओ कम ऑन यार, बायो के दो दो लेक्चर, फिर फिजिक्स का एक, फिर केमिस्ट्री का एक, हर रोज मैं चार लेक्चर देख रहा हूँ। दूसरा बोलेगा लेके तो आ, इससे पहले जितने चार लेक्चर हर रोज हम पढ़ रहे थे एकदम फट 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 करके एकदम निकाल दिए, एकदम मजेदार तरीके से निकाल दिए, आज का लेक्चर देखो क्या बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है और मैं पढ़ रहा हूँ, और आज का लेक्चर तो भैया मैंने ऐसा याद करना है कि जैसे मतलब कभी कल ही मेरा नीट का पेपर हो जाए, मैंने तो पेपर उखाड़ देना। इस लेवल की तैयारी और इस लेवल का कॉन्फिडेंस, ये मुझे तुम लोगों में चाहिए। कुछ नहीं, एक सिंगल माइंडेड फोकस, याद रखना है कि तुम्हें जीवन में क्या चाहिए बेटा, बस। और थोड़ा सा स्टार्टिंग का पुशबैक मैं तुम लोगों से मांग रहा हूं कि खुद को जरा धक्का तो दो, अपने आप को भीड़ से अलग तो बनाओ। भीड़ की बेटा कोई शक्ल नहीं होती ना एग्जैक्टली, अगर हम भी भीड़ के हिस्से बन जाएंगे ना, तो हम कोई कभी अलग से नहीं पहचाने जाएंगे, और हम कभी भीड़ का पार्ट नहीं बनना चाहते, हम अलग से बनना चाहते, एक अलग एंटिटी, एक अलग, एक इंडिविजुअल, हम एक भीड़ का पार्ट नहीं बनना चाहते, तो बेटा बनना भी नहीं, तो भीड़ का पार्ट नहीं बनना, तो फिर करनी पड़ेगी ना मेहनत। और सच बता रहा हूँ, ये कहते हैं ना करनी पड़ेगी मेहनत, नहीं बेटा, हाँ चलो ये कहने करनी पड़ेगी पहले के 10 दिन बस, फिर उसके बाद मेहनत में मजा आएगा, फिर कहते तो मजा आ रहा है कि अब काम करने पड़ रहा है, अब मिल रहा है कि यस मुझे काम मिल रहा है, अब मैं काम करूंगा। बेटा हम लोग तुम्हारे लिए लगे हुए हैं रोज बरोज, कोई पैसा नहीं ले, पूरी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पर्पस के लिए, तुम्हारे गोल के लिए लगे हुए हैं। बस एक चीज तुम लोगों से चाहते हैं कि तुम भी अपने लिए लग जाओ, और लग जाओगे तो जिंदगी बेटा बन जाएगी, राइट। तो इस एटीट्यूड के साथ आज की क्लास बेटा शुरू करते हैं। आज की क्लास में अपने को क्या पढ़ना है, अपने को पढ़ना है स्टेम। स्टेम क्या है, क्या कहानी है,
अगर अभी तक आप थोड़ा सा रिमाइंड करें अपने आपको, तो आपने रूट पढ़ लिया बेटा, रूट के स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं, रूट नॉन ग्रीन है, रूट के ऊपर कोई भी नोड नहीं होता है, रूट के ऊपर कोई भी इंटरनोड नहीं होता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स आप पढ़ चुके हो। नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर है, जमीन के नीचे ग्रो करता है, रेडिकल से डेवलप होता है, ये सब बातें हमने रूट के लिए पढ़ी। तो बेटा एक प्लांट के लिए रूट सिस्टम था तो एक शूट सिस्टम भी था ना। तो जब इस तरीके से रूट सिस्टम नीचे डेवलप हो गया तो शूट सिस्टम इस तरीके से ऊपर डेवलप होता है। तो अब जब आपके पास इस तरीके से ये शूट सिस्टम, ये रूट सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो बेटा ये डेवलप होता है प्रिम्यूल से। तो अगर आप एक एम्ब्रियो में देखें कहां से डेवलप हो रहा है, प्रिम्यूल से डेवलप हो रहा है। पहला पॉइंट डन एंड क्लियर। अब ये जो चीज बेटा प्रिम्यूल से डेवलप हो रही है, ये धीरे धीरे बड़ी होती है और पूरा का पूरा इस तरीके से एक स्टेम बना देती है। क्या बना देती है? स्टेम। और क्वालिटीज के पास यहाँ पे नोड्स और इंटरनोड्स में मिलेंगे। एक बार मैं एनसीईआरटी को पढ़ के एक छोटा सा पैराग्राफ दिखा देता हूँ, फिर इसके बारे में डिटेल को जो हमें नीट में आना है वो पढ़ेंगे। व्हाट आर द फीचर्स दैट डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंशिएट स्टेम फ्रॉम अ रूट, दोनों को अलग कैसे करते हैं? द स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस। स्टेम इस तरीके से असेंडिंग पार्ट है, रूट डिसेंडिंग पार्ट है, ऊपर से नीचे जा रही है और स्टेम नीचे से ऊपर जा रही है, राइट? जिसके पास ब्रांचेस होती हैं, जिसके पास लीव्स होती हैं, जिसके पास फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो बोलो इन चारों में से अगर मैं आपसे पूछूं, इन में से ब्रांचेस में से लीव्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इन चारों में से रूट के पास क्या होगा? रूट के पास क्या फ्रूट बनेगा? नहीं। रूट के पास क्या फ्लावर बनेगा? नहीं। रूट के पास लीफ बनेगी? नहीं। रूट के पास ब्रांचेस बनेंगी? यस। थोड़ा याद करो ना, वहाँ पे एंडोजीनस ब्रांचेस मिल रही थी। यस, प्राइमरी ब्रांच, सेकेंडरी ब्रांच। यस बेटा, वेरी गुड। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्ल्यूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। आता है हम लोगों को, समझ आ रहा है बेटा बहुत ज़्यादा। द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स, ये भी आता है। देखो एनसीईआरटी तो ऐसे आ गए तुम लोगों को, देखो बढ़िया से पढ़ते रहोगे ना, देखो एनसीईआरटी तुम्हारे बाएं हाथ का खेल बन जाएगी। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न, जहाँ पे लीव्स बनती हैं उनको क्या कहते हैं? नोड्स। वाइल इंटरनोड्स आर द पोर्शंस बिटवीन टू नोड्स। फिर वही पुराने वाली क्लास याद करो ना बेटा, इधर हमने ये स्टेम बनाया सोचो, और इधर इस तरीके से ये बना दिया अपने पास नोड्स, और याद किया था बेटा नोड्स में कौन सा टिश्यू मिलता है? मेरिस्टमैटिक टिश्यू। कौन सा मिलता है? मेरिस्टमैटिक टिश्यू, राइट? जब ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू मिलता है तो इसी मेरिस्टमैटिक टिश्यू से, यहाँ से इसी नोड से लीफ निकलती है, इसी नोड से ब्रांच भी निकल सकती है, इसी नोड से एक फ्लावर भी निकल सकता है, इसी मतलब नोड से इन कुछ भी निकल सकता है। समझ पा रहे? क्लियर हो रही बात? द रीजन, अब नोड्स हमने पढ़ लिया और दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है इसको इंटरनोड कहते हैं, ये भी अपने को क्लियर हो गया। इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। द स्टेम बियर बड्स, स्टेम के पास बड्स होते हैं। बड्स ऐसे अनडेवलप्ड मेरिस्टमैटिक सेल्स होते हैं जो डेवलप होकर कुछ भी बना सकते हैं, याद रखना। बड्स हमारे पास अनडेवलप्ड मेरिस्टमैटिक टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टमैटिक सेल्स का एक गुच्छा होता है जो डेवलप होके कुछ भी बना सकते हैं। सुन, ध्यान से समझना। विच में बी टर्मिनल एंड एक्सिलरी, अभी समझाता हूँ। इस पॉइंट को जरा, इस लाइन को छोड़ दो। स्टेम इज जनरली ग्रीन, जनरली ग्रीन, अक्सर जो स्टेम जो ग्रीन होती है व्हेन यंग। अब बड़े प्लांट को देखो ना, एक बड़े आम के पेड़ को देखो, पौधे को नहीं। पौधा और पेड़ में फर्क समझते हो? प्लांट एंड ए ट्री। व्हेन यू लुक अप एट अ ट्री, व्हेन यू लुक अप एट अ प्लांट एंड व्हेन यू लुक अप एट अ ट्री, तो बेटा ट्री के अंदर आपके पास प्लांट की स्टेम को हम क्या कह देते हैं? ट्रंक कह देते हैं ना। और बेटा ट्रंक कैसी हो जाती है? डार्क ब्राउन वुडी सी हो जाती है। और जब वो छोटा होता है, यंग होता है, तो हम स्टेम कहते हैं, यानी पौधे में स्टेम, ट्री में ट्रंक। क्लियर? तो जब वो प्लांट एक छोटा होता है, साइज में छोटा होता है, तब उसकी जो ये जो स्टेम होती है एग्जैक्टली किस तरीके से होती है बेटा? वो ग्रीनिश होती है। इसका मतलब वहां पे क्लोरोफिल की प्रेजेंस है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज द स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स। स्टेम का मेन काम क्या है? ब्रांचेस को फैलाए रखना, फ्रूट्स को दिखा, फ्रूट्स इस तरीके से अपने पास, फ्रूट्स फ्लावर्स एंड सब कुछ अपने पास करे रखना, रखे रखना। इसका कंडक्शन का काम है, मिनरल्स को नीचे से रूट से जो आ रहा है ऊपर, फोटोसिंथेसिस जो लीव्स ने बनाया है। स्टेम क्या करता है? इसका सामान यहाँ से इधर उधर ट्रांसपोर्ट करता है, नीचे से पानी को ऊपर ट्रांसपोर्ट करता है, तो इन ट्रांसपोर्ट करता है। कुछ कुछ स्टेम का क्या काम होता है? कुछ कुछ स्टेम फूड स्टोरेज में भी मदद करती है, यानी स्टेम मॉडिफाई हो सकती है फूड स्टोरेज के लिए। स्टेम का काम बेसिक प्रोटेक्ट सपोर्ट के लिए होता है, ये तो जानते हैं। प्रोटेक्शन हो सकता है, स्टेम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी रिप्रोडक्शन में भी काम दे सकती है। तो ये सब बातें एनसीईआरटी में बेसिक करी हो, बोलो एक चुटकी में समझ आए। तो बेटा इन सब बातों की अंडरस्टैंडिंग के लिए आज का ये पूरा लेक्चर। बेटा इस पूरे लेक्चर के अंदर मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जो यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स में दिख रहा है, आपको ये वाली चीज नहीं लिखनी है, ये पढ़नी भी नहीं है। कभी रेफरेंस के लिए जरूरत लगे तो ये पढ़ लेना, अदरवाइज देखो
स्टेम की बात करते हैं तो हमारे पास ये इस तरीके से प्लांट का स्टेम वाला पोर्शन, और ज़रा ध्यान रखना हम जब ये किसी स्टेम का टॉप मोस्ट रीजन की बात करते हैं तो उसको एपिकल पार्ट कहते हैं या फिर एपेक्स कहते हैं या फिर उसको टर्मिनल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल पार्ट। एक सेकेंड रुको, यहाँ पे इसको कहते हैं टर्मिनल पार्ट। टर्मिनल मतलब एकदम जहां टर्मिनेट होता है, यहां खत्म होता है। तो यहां पे स्टेम खत्म हो रही है ना ऊपर, राइट। अब ये वाला पोर्शन क्या है? इस वाले पोर्शन को एक्सिल कहते हैं। एक्सिल क्या है? ध्यान से मेरी बात सुनो, ये स्टेम और यहां से निकलने वाली कोई लीफ या ब्रांच, हम इस तरीके से इधर बनाई स्टेम और इधर से कोई भी स्ट्रक्चर निकल रहा है, मुझे नहीं पता क्या है, छोड़ दो, भूल जाओ क्या। इन दोनों के बीच में अगर कोई चीज मिलती है यहां पर, इस पॉइंट को अपन कहते हैं एक्सिल। क्या कहते हैं? एक्सिल। अगर इन दोनों के, इन इसके और इसके बीच में मिलने वाला, इस एंगल के बीच में मिलने वाली कोई भी चीज क्या होगी? एक्सिल। और इस पोजीशन को कहेंगे एक्सिलरी पोजीशन। क्या ये वाली बात आपको क्लियर हुई? अगर बेटा ये वाली बात क्लियर होगी तो कभी भी बायो में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक्सिलरी वाली बात ना हमें काफी परेशान करती है। समझ आ गई? देखो, टॉप मोस्ट को एरिया को कहा हमने एपेक्स, कहा टिप कहा, और यहाँ इस वाले पोर्शन को एक्सिल कहा। एक्सिल पे अक्सर हमें देखने को क्या मिलता है? एक्सिल पे बड्स मिलते हैं और बड्स डेवलप हो जाते हैं ब्रांच के अंदर। इतना बात क्लियर हुई? एक्सिल पे अक्सर अपने को क्या देखने को मिलते हैं? बड्स। मैंने कहा ना यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लीफ कुछ भी, यहाँ पे लीफ है आपके पास, स्टेम है, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे अक्सर बड्स मिला करते, राइट। अब एक और चीज याद करो, जब रूट्स को पढ़ा तो रूट्स में ब्रांचेस देखा था, और ब्रांचेस के हिसाब से मैंने तुम्हें बताया था रूट्स में ब्रांचेस एंडोजीनस होती है। अगर नहीं याद है तो अपने नोट्स को देखो, वीडियो को पॉज करो, नोट्स को देखो, क्योंकि रूट्स में जो ब्रांचेस होती हैं वो कैसी होती हैं? एंडोजीनस। यहाँ पर ब्रांचेस हैं एक्सोजीनस। वो कहाँ से निकले? कॉर्टेक्स से। ये वाली बात नहीं समझने वाली, मैं ये कहूंगा इस पॉइंट को अपने पास ऐड कर लेना। एक्सोजीनस मतलब वो प्लांट के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, प्लांट के उस ट्री के अंदर वाले स्ट्रक्चर में किस पोर्शन से निकल रही है? कॉर्टेक्स से। बेटा ये वाली बात आपको नहीं समझ आई है क्योंकि अभी तक आपने प्लांट को काट के उसके अंदर की कहानी नहीं पढ़ी है, यानी चैप्टर एनाटॉमी वाला नहीं पढ़ा है। तो नहीं पढ़ा तो छोड़ दो ना, अभी यहां पे फोकस करो कि प्लांट में जो आपके पास ब्रांचेस है वो एक्सोजीनस है, यानी कॉर्टेक्स से निकल रही है। इस बात में याद कर लो, समझ अगले चैप्टर में आएगा। बड की बात करें तो बड क्या होता है? ध्यान से देखो, बड इज अ कंडेंस्ड छोटा इमैच्योर शूट, कंडेंस स्टेम कहा जा सकता है या एम्ब्रियोनिक शूट कहा जा सकता है, कुछ भी कहो, एक ऐसा इमैच्योर शूट। शूट कहां से डेवलप होता है? प्लूम्यूल से। और बेटा शूट ही डेवलप होके कुछ भी बनाता है, शूट डेवलप होके। अगर मैं यहां पर देखूं कि इस तरीके से हमारे पास यहां था, सीड ने जर्मिनेट किया, शूट निकला, शूट ने डेवलप होके पूरा का पूरा स्टेम बनाया, राइट। तो बड से अपने पास पूरा का पूरा स्टेम बन सकता है। अगर बड यहां है तो बड यहां पे इस तरीके से ब्रांच बना सकती है। अगर बड यहां पर है, एक्सिल के अंदर है, तो यहां पे आपके पास क्या बना सकती है? एक फ्लावर बना सकती है, कुछ भी बना सकती है। बड कुछ भी बना सकती है, दैट मींस बड के पास कलेक्शन ऑफ मेरिस्टमैटिक सेल्स होता है, राइट। अब बड के पास मेरिस्टमैटिक सेल्स हैं, वो ऐसे नाजुक सेल्स हैं जो डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे नाजुक सेल्स जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसीलिए कोई भी बड के आसपास यहां पे इस तरीके से बड बीच में होगी तो यहां पे पत्ती जो होगी वो एक प्रोटेक्शन का काम करेगी, इसके आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएगी। इसलिए इट इज सराउंडेड बाय क्लोजली प्लेस्ड इमैच्योर लीव्स जिनका काम है प्रोटेक्शन देना। और बोलने पे अगर समझे तो अगर आप पत्ता गोभी जो घर में खाते हो, जिसको कैबेज खाते हो, वो एग्जैक्टली बड है, वो एक प्लांट की एक बड है। अगर हम उसमें जो खाते हैं, पत्ता गोभी में पत्ता खाते हैं ना, तो वो जो पत्ते हैं वो एक ऐसे इमैच्योर लीव्स हैं जो अंदर लाइंग, इंटरनली लाइंग, सबसे अंदर छोटी सी बड होती है, उसकी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। डन। अब बड की पोजीशन का है, तो बेटा बड की पोजीशन की बात करें जाए तो बड आपको यहाँ पे टर्मिनल पोर्शन पे भी मिल सकती है। तो सोचो तुम लोग ये वाली बात, अगर ध्यान से मेरी बात यहाँ पे देखना, अगर बड टर्मिनल है इस तरीके से, मेरे पास ये है बड, मेरे पास ये है। अगर बड टर्मिनल है तो समझो कि यहां पर इधर इस तरीके से यहां पर अपने पास बड बैठी है। जब इस तरीके से बड बैठी है तो अब बड का काम क्या होगा? मेरिस्टमैटिक सेल्स हैं, डिवाइड करते करते बड और क्या काम करेगी? इस स्टेम के स्ट्रक्चर को और बड़ा करती जाएगी, यानी बड इसकी प्लांट की डायरेक्ट इलोंगेशन में मदद करता जाएगा स्टेम की, राइट। दूसरी चीज, कभी यहां पर कोई ब्रांच पड़ी है, दूसरी जैसे कंडीशन क्या है, अपने पास यहाँ पे कोई ब्रांच है, तो बेटा यहाँ पे भी तो एक आपके पास बड मिल सकती है। तो ये वाली बड कौन सी होगी? एक्सिलरी बड। कौन सी बड होगी? एक्सिलरी बड। क्लियर हो रहा है बात? पक्का। अब इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा वाली तुम्हें मैं वो एक क्लासिफिकेशन बताता हूँ, नीट का एनसीईआरटी का पार्ट नहीं, बट कहीं कहीं ना बुक्स में क्वेश्चन पे नाम आ जाता है तो कभी कंफ्यूजन ना हो। देखो, टर्मिनल टॉप मोस्ट पे जो बड मिली उसको आपने एपिकल बड कह दिया, ये बात क्लियर हुई। तो एपिकल बड के अलावा कहीं पर भी
टॉप मोस्ट पोजीशन के अलावा कहीं पर भी कोई भी बर्ड मिलेगी तो उस बर्ड को अपन टर्म करेंगे लेटरल बर्ड। लेटरल बर्ड स्पेसिफिकली एक्सिलरी पोजीशन पे हो, एक्सिल पे हो तो एक्सिलरी बर्ड, या फिर तुम देखो ना बर्ड आपके पास मेरिस्टमैटिक सेल का हिस्सा है, तो अगर मेरे पास इस तरीके से एक लीफ है और यहां पर बर्ड्स मिल रही हैं, ये बर्ड्स टूट के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकती है। तो एग्जांपल बोलो, याद है तुम्हें, पढ़ा है ना बेटा ब्रायोफाइलम। तो मैं समझाना चाह रहा हूं बर्ड एपिकल पोजीशन पे था, ठीक है, इसके अलावा कहीं पर भी होगा तो कहलाएगा लेटरल। लेटरल वाला दो टाइप का हो सकता है, एक्सिल पोजीशन पे तो एक्सिलरी, और अगर वो किसी और पार्ट पे हुआ, रूट्स पे हो सकता है, वो कहां हो सकता है, आपके पास लीव्स पे हो सकता है। तो ध्यान रखना, रूट पे भी हो सकता है, लीफ पे भी हो सकता है। लीफ का एग्जाम्पल हमने ब्रायोफाइलम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो देखो यहां पर क्लियर हो रही है बात। तो लेटरल को एक्सिलरी एडवेंटिशियस में बांटा, लेटरल को एक्सिलरी होगा, बात क्लियर होता है। अगर एक्सिलरी पोजीशन के अलावा कहीं और एडवेंटिशियस, और एडवेंटिशियस है तो बेटा देखो एपिफाइलस, एपी ऊपर, एपी का मतलब ऊपर और फाइलस का मतलब पत्ती। तो अगर किसी पत्ती के ऊपर मिल रहा है तो ब्रायोफाइलम में लीफ के ऊपर ग्रो करता है। रेडिकल बर्ड, रेडिकल बेसिकली वर्ड रूट के लिए है, तो रूट के ऊपर ग्रो कर रहा है, तो जैसे स्वीट पोटेटो में अपने को बर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई? अगर बढ़िया से क्लियर हुई तो आगे बढ़ते हैं बेटा, बर्ड की बात करते हैं। बर्ड कहां मिल रही है? स्टेम पे मिलती है, याद रखना। अगर हम नॉर्मली बर्ड की बात करें, इसका रेडिकल बर्ड को जरा इग्नोर करो, तो बर्ड ऊपर आपके पास ऊपर वाले पोर्शन पे मिल रही है। ध्यान रख, बस इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना, क्योंकि आगे मैं समझाने वाला हूं, ये समझाने वाला हूं कि बर्ड, एक और बात, आगे मैं बर्ड की कहानी भी बताऊंगा। अभी के लिए ये देखो कि जो बर्ड प्रेजेंट है, बर्ड क्या क्या काम कर सकती है। देखो बर्ड मैंने कहा ना, कुछ भी बना सकती है, बर्ड कुछ भी बना सकती है। तो बर्ड अगर बनाने में आई तो क्या क्या बना सकती है? तो सबसे पहले टेंड्रिल्स बना सकती है। टेंड्रिल्स क्या होते हैं? तुमने देखे बेटा किसी प्लांट से इस तरीके से आपके पास इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे वो किसी के आसपास लिपट जाता है, तो ये स्ट्रक्चर है टेंड्रिल, ये स्ट्रक्चर है टेंड्रिल। तो टेंड्रिल बर्ड्स आपके पास हो सकती हैं, यानी बर्ड मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बना सकती है, बर्ड मॉडिफाई होकर कांटा बना सकते हैं, जिसको अपन थॉर्न कहते हैं, थॉर्न बेसिकली कांटा। बर्ड बड़े होके, डेवलप होके बल्बिल बना सकती है, और बल्बिल क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन में, समझना इस बात को। देखो बर्ड का बेसिक काम क्या था? डेवलप होके कोई स्ट्रक्चर बनाना। तो बर्ड डेवलप होके ब्रांच बना सकती है, लीफ बना सकती है, बर्ड डेवलप होके फ्रूट बना, फ्लावर बना सकती है, अलग अलग चीजें बना सकती है। प्लस इसके अलावा बर्ड डेवलप होके टेंड्रिल्स बना सकती है, थॉर्न्स बना सकती है। इसके एग्जांपल बोलो, याद करने जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और बर्ड एक और चीज बना सकती है, बल्बिल। और ये बात ध्यान रखना, क्योंकि कहीं किसी बुक में नहीं दिया हुआ। बल्बिल क्या होते हैं? ये जो बल्बिल होते हैं, ये ऐसे मॉडिफाइड बर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से रिप्रोडक्शन किया जा सकता है। प्लांट में अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराना है तो इन बल्बिल्स की मदद से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को किया जा सकता है। बोलो बात चमकी, समझ आई? अच्छे से क्लियर हुई तो आगे बढ़ते हैं। बर्ड कैन फॉर्म न्यू लीफ, ब्रांच, फ्लावर, कुछ भी बना सकता है, बता चुका, समझ आए पक्का। अब नेक्स्ट पोर्शन लीफ, या लेफ लीफ नहीं, मैं कहूंगा नेक्स्ट पोर्शन में, ये हमारे पास स्टेम है। स्टेम में बेटा बर्ड की कहानी देख ली, तो हम देखते हैं अब इसकी कहानी। ये जो हमारे पास चीज है ब्रांच, ब्रांच को हिंदी में कहते हैं टहनी, उसके बारे में बात करते हैं। ब्रांच आपके पास जो स्ट्रक्चर है, उस ब्रांच और पूरी की पूरी स्टेम के बारे में, इस पूरी की पूरी ब्रांच के बारे में और इस पूरी की पूरी स्टेम के बारे में हमें यहाँ पे कहानी स्टडी करनी है। तो आइए ये वाला पोर्शन देखते हैं। देखो इधर क्या कहते हैं, स्टेम की बात करते हैं बेटा। जब आप किसी प्लांट को देखोगे तो सब प्लांट के ऊपर स्टेम को जरा गौर से देखना, अपने आसपास बाहर निकलो, जरा स्टेम को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, तो स्टेम आपके पास बहुत स्मूथ भी होती है, और कुछ कुछ प्लांट में हरी सी, अगर हरा सा अगर आपके पास यंग प्लांट होगा तो उसमें देखने की टेंडेंसी, चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। स्टेम के सरफेस पे आपको एक एक्सटेंशन दिखाई देती है, ऐसे जैसे स्टेम से बाल निकल रहे हो, बहुत ही छोटे छोटे व्हाइटिश व्हाइटिश से। तो अगर स्टेम से हेयर लाइक प्रेजेंस है, स्टेम पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, तो इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं ट्राइकोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्राइकोम। तो क्वेश्चन दो पॉइंट, ध्यान से मेरी बात सुनो। रूट पे हेयर्स हो सकते हैं, यस। स्टेम पे हेयर्स हो सकते हैं, यस। तो दोनों पे हेयर्स हो सकते हैं, पहला पॉइंट सॉल्ट। सेकंड पॉइंट, रूट पे जो हेयर्स हैं वो यूनिसेल्यूलर हैं, और स्टेम पे जो हेयर्स हैं वो कैसे हैं? मल्टीसेल्यूलर। ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया, क्लियर तो हो ही गया, समझ याद आ गया, तो पेपर में कभी भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि स्टेम पे ऊपर मिलेंगे तो मल्टीसेल्यूलर, नीचे रूट में मिलेंगे तो कैसे हैं? यूनिसेल्यूलर। प्रॉब्लम सॉल्व, कहानी क्लियर। अब स्टेम है तो बेटा स्टेम पे टहनियां पड़ी होंगी, तो स्टेम की ब्रांचेस के हिसाब से कि क्या प्लांट में ब्रांच है या नहीं है, इस हिसाब से मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। तो प्लांट में अगर बेटा क्लासिफिकेशन, तो प्लांट आपके पास जो उसका स्टेम होगा वो अनब्रांच्ड भी हो सकता है और वो ब्रांच्ड भी हो सकता है। क्या? अनब्रांच्ड भी हो सकता है और ब्रांच्ड भी हो सकता है। अब इसके आगे हमें यहां पर देखना है क्या,
अनब्रांच्ड होगा तो नाम दिया जाएगा कॉडेक्स और कॉलमनर, क्या नाम दिया जाएगा कॉडेक्स और कॉलमनर, दोनों कोई भी नाम दो। और अगर ब्रांचिंग होगी तो ब्रांचिंग कैसी होगी ये मेरी बात समझना जरूरी है, सोचते रहो ध्यान से पॉइंट पे देखते रहो। अनब्रांचिंग है यानी आप एक ऐसा पेड़ देख रहे हो जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, तो कॉडेक्स कॉलमनर बोल दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। ये नाम याद करने का बिल्कुल, क्या इस नाम के रिलेटेड फोटो देखनी है बिल्कुल, आपको बायो में जो भी चीज मिले उससे रिलेटेड फोटो अपने पास फोन के अंदर स्क्रीनशॉट लेके रखो, आपको बहुत काम आने वाली है। मैं कुछ फोटोज आपके यहाँ पे डाल देता हूँ बेटा, उसके बावजूद भी अगर आपको जितनी चीजें इमेजिन और देख पाओगे उतना चीजों को याद कर पाओगे तो काम कैसे करना है पता लग गया तुम्हें, समझ आई। तो अनब्रांच्ड प्लांट में कोई ब्रांचिंग नहीं, तो कॉर्डेक्स कॉलम ने ब्रांचिंग तो हो सकती है। तो बेटा ब्रांचिंग के नाम पे आपने ना पहले एक यहाँ पे पढ़ा था कि ये ऐसे ग्रो कर रहा है और ग्रोइंग पॉइंट यहाँ पे दो पॉइंट्स में बढ़ जाते हैं, फिर ग्रोइंग पॉइंट यहाँ पे दो पॉइंट्स में बढ़ जाता है, फिर ये जो ग्रोइंग पॉइंट होता है यहाँ पे दो पॉइंट्स में बढ़ जाता है, तो ऐसे चलता रहता है। तो जब आपके पास ग्रोइंग पॉइंट आगे दो हिस्सों में बढ़ जाता है, ये ग्रोइंग पॉइंट दो हिस्सों में बट गया इस तरीके से चलते दो हिस्सों में बट गया, तो ऐसी ग्रोइंग पॉइंट जब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है तो उसको कहते हैं डाइकोटॉमस। और ये वाली बात बेटा हमने ब्रायोफाइटा में भी देखी थी, हमने जब मार्केंशिया के लिए बोला था उसमें भी मिल सकता है, और कहने को एंजियोस्पर्म में देखने को कम मिलता है, लेकिन यस आपको यहां यहां जो एग्जांपल्स दिए हैं इनके अंदर आपको डाइकोटॉमस ब्रांचिंग मिल सकती है। क्या इसको याद करना है? नो, इसके एग्जांपल्स नहीं याद करने, तो लिखे हैं इनमें पेंसिल से कट मार दो, बट दिमाग में होने चाहिए, एक बार अपने आंखों के सामने से निकाल लो, ब्रायोफाइटा मार्केंशिया का स्ट्रक्चर याद रखने के लिए रख लो और कुछ नहीं। और बेटा ये दूसरी वाली कंडीशन देखो ना, दूसरी वाली कंडीशन में ब्रांचिंग में एक को जहां पर जो ग्रोइंग पॉइंट है, पॉइंट ये वर्ड है ग्रोइंग पॉइंट डिवाइड हुए, लेटरल में ना बेटा जो ग्रोइंग पॉइंट होगा वो कभी डिवाइड नहीं करेगा, ध्यान से मेरी बात सुनना। डाइकोटॉमस में ग्रोइंग पॉइंट दो हिस्सों में टूट गया, लेकिन लेटरल में जो ये ग्रोइंग पॉइंट होगा ये कभी डाइसेक्ट नहीं होगा, समझ पाए। इस लेटरल के लिए दो टाइप्स देखते हैं, रिस्मोस और साइमोस। तो आप सोचो इस बात को इस तरीके से समझो कि अगर मैं रिस्मोस कह रहा हूं तो बेटा ये रेस लगा रहा है, जो ग्रोइंग पॉइंट है वो रेस लगा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, एकदम भागे जा रहा है। सैफ अली खान रेस देखिए ना, वो खट 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 एकदम मजे से भागे जा रहा है, यानी ये ग्रोइंग पॉइंट इस तरीके से बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये ग्रोइंग पॉइंट डिवाइड भी नहीं हो रहा, ग्रोइंग पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं, क्लियर है इतनी वाली बात। और यहां पे मेरे साथ देखना तुम लोग मैं क्या दिखा रहा हूं, ये ग्रोइंग पॉइंट यहां पर हमारे पास जमीन थी और यहां पे ये ग्रोइंग पॉइंट इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। तो अब जब ग्रोइंग पॉइंट बढ़ा तो बढ़ने से पहले जरा देखो, एक टाइम ऐसे होगा कि ये इतना होगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, वो इस तरीके से धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ता रहेगा। और इस प्लांट में बेटा देखो, पहले ये वाली ब्रांचेज आई, फिर उसके बाद 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 ये वाली ब्रांचेज आई, राइट। तो अगर मैं स्ट्रक्चर में सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच बोलूंगा, ओल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट ब्रांच बेटा ये वाली होगी ना, रेड वाली, और सबसे जो लेटेस्ट होगी वो ये वाली ग्रीन वाली ब्रांच होगी। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि जो ब्रांचेस हैं यहां पर देखो ना, जब ऊपर ऊपर बनता जाएगा तो ऊपर ऊपर नया बन रहा है, तो जो सबसे लेटेस्ट, सबसे नई, सबसे जवान, सबसे ज्यादा यंग जो ब्रांच होगी वो ये वाली होगी, यानी ग्रोइंग पॉइंट के पास जो ब्रांचेस हैं वो सबसे ज्यादा यंग है और जो ग्रोइंग पॉइंट से सबसे दूर ब्रांच है वो सबसे ज्यादा ओल्ड है। ये वाली बात कितनी लॉजिकल और कितनी बेसिक है ना बेटा, ये समझ तो बिल्कुल अच्छे से आ जाता है। और इसके लिए बेटा अपने को एक वर्ड याद रखना पड़ता है, और इसके लिए वर्ड होता है एक्रोपिटल। क्या वर्ड होता है? एक्रोपिटल। एक्रोपिटल क्या मतलब है कि साइमोज में जब ग्रोइंग साइमोज नहीं रेसमोज में जब ग्रोइंग पॉइंट ऊपर रेस लगाए चल रहा है, वो बिना रुके खट एकदम फरारी की तरह ऊपर भागते जा रहा है, तो उसके साथ यहाँ पे जो ब्रांचेस मिल रही हैं, जो ग्रोइंग पॉइंट से क्लोजेस्ट ब्रांचेस मिलेंगी वो मिलेंगी यंग, और ग्रोइंग पॉइंट से जो सबसे दूर ब्रांचेस मिलेंगी वो मिलेंगी ओल्ड। ऐसी अरेंजमेंट को एक्रोपिटल अरेंजमेंट टर्म किया जाता है। तो यहाँ देखो, टर्मिनल बड ग्रोज इनडेफिनेटली बिना रुके, पूरी स्पीड से आगे बिना रुके, बिना डिवीजन के, बिना किसी चीज में बटे हुए ग्रो करते जा रहे हैं। लेटरल ब्रांचेस आर फाउंड इन एक्रोपिटल मैनर, ओल्डर ब्रांचेस नियर द बेस, यंगर ब्रांचेस नियर द एपेक्स। की बात क्लियर होती है। दूसरा देखो बेटा, साइमोस। साइमोस में कंडीशन क्या है कि टर्मिनल बड इधर स्टॉप्स एक्टिविटी और बिकम्स फ्लावर टेंड्रिल और थॉर्न। देखो ना क्या है इस कंडीशन में, यहां पर ये हमारे पास ग्रोइंग पॉइंट था, अब रुक गया ये ग्रोइंग पॉइंट में, यहां पर या तो कांटा बन जाएगा या बड बन जाएगी, टेंड्रिल कुछ बन जाएगा, लेकिन ये ग्रोइंग पॉइंट रुक जाएगा। तो अब डाइकोटॉमस होता तो ग्रोइंग पॉइंट ही बाकी दो हिस्सों में बढ़ जाता, लेकिन ये तो लेटरल है, इसीलिए यहां पे इधर से इधर इस तरीके से लेटरल ब्रांचेस निकलना शुरू होती है, राइट।
अब फिर ये एंड वाला जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट किसमें फ्लावर में बन जाएगा, और फिर यहाँ पे लेटरल इस तरीके से ब्रांचेस निकलेंगी, यहाँ से लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी, फिर इसका ग्रोइंग पॉइंट ऐसे बढ़ जाएगा फ्लावर में, तो यहाँ से लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी, राइट, फिर ये ग्रोइंग पॉइंट इसमें चल जाएगा, फिर यहाँ से लेटरल ब्रांचेस इस तरीके से निकलेंगी। तो ऐसी वाली कंडीशन को अपन टर्म करते हैं साइमोस, और देखने में पता लगा इधर है एक्रोपिटल तो इधर है बेसिपिटल, तो जो सबसे यंग वाली ब्रांच है इट इज क्लोजेस्ट टू दी बेस, सबसे यंग वाली ब्रांच इज फाउंड टू बी क्लोजेस्ट टू दी बेस, सबसे जो ओल्डेस्ट ब्रांचेस है दे आर मोस्ट अपवर्ड्स, डू वी गेट दिस थिंग। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसी मानी जाती है, बेसिपिटल अरेंजमेंट मानी जाती है। ये वाली बात यहाँ तक एनसीईआरटी करता है, और इसके बाद एनसीईआरटी हमें समझाना और बातें बोलना बंद कर देते हैं। ये जो आपको बेटा ये दिखा रखा है, ये एक ऐसी वर्ड दिखा रखी है जिसकी कुछ पॉइंट्स, जिसके क्वेश्चंस अपने को आसपास दिख जाते हैं, तो मैं पढ़ाऊंगा जरूर, नीट के अंदर आएगा नहीं, लेकिन ये वर्ड्स अगर इनसे, इसको मेरे से पढ़ के और तुमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो दिमाग में बेटा कंसेप्ट बैठ जाएगा, और दिमाग में अगर कंसेप्ट बैठ गया तो बाद में परेशान नहीं होगे, यानी चीजें तुम्हें अच्छे से बेसिकली समझ आती रही, राइट। साइमोस को हमने आगे और कैटेगरीज में बांट दिया, मोनोकेजियल, यूनिपैरस, मोनोकेजियल बोलो या यूनिपैरस बोलो, डाइकेजियल या बाईपैरस बोलो, या फिर पॉलीकेजियल। ध्यान से देखो, यहां पे ये हमारे पास ग्रोइंग पॉइंट एंड हो गया इधर इस तरीके से, यहां पे टर्मिनल बड में, और इसके इस तरीके से लेटरल साइड से एक वो निकली, एक ब्रांच निकली, दो तरफ से नहीं निकली, सिर्फ एक तरफ से निकली, ये टर्मिनेट हुआ फिर इसके लेटरल से ब्रांच निकली, ये टर्मिनेट हुआ फिर लेटरल से ब्रांच निकली, इस तरीके से, समझ पा रहे हो, इस तरीके से कंडीशन हो रही है। एक सेकेंड, पक्का क्लियर हो रहा है, ये वाला कंडीशन बेटा अपने पास यहां पे बनते जा रहा है। तो यहां पे ये इस तरीके से, अरे क्या हो गया, यहां पे इस तरीके से ये बड़ा, इसके लेटरल ब्रांच निकली, ये बड़ा, यहां से फिर एक लेटरल ब्रांच निकली, तो एक तरफ हो रहा है, टर्मिनल बड स्टॉप्स एंड फर्दर ग्रोथ बाय सिंगल एक्सिलरी ब्रांच। इस कंडीशन में यहां पे दो एक्सिलरी ब्रांच ग्रो कर रही थी ना, फिर यहां से दो ब्रांच ग्रो कर रही थी, फिर दो ब्रांच ग्रो कर रही थी, फिर इधर दो ब्रांच ग्रो कर रही थी। अब यहां पे मोनोकेजियल काइम के अंदर, इसको मोनोकेजियल काइम बोला जाता है, ऐसी कंडीशन में सिंगल एक्सिलरी ब्रांच कर रही है, यहां पे जो स्ट्रक्चर मैं बना चुका हूं ये डाइकेजियल काइम है, यहां पर आपके पास दो नोड लेटरल ब्रांचेस कर रही हैं, और इसके अंदर जब तीन या तीन से ज्यादा ब्रांचेस इस तरीके से बाहर निकल आती है तो उसको पॉलीकेजियल कहते हैं। क्या ये वाली बात क्लियर हुई, सिंपल था ना बेटा, बनाने का तरीका है ये, सिंपल सा पोर्शंस था ये, हमारे पास इतना बेसिक पोर्शन क्लियर हुआ। अब अपने को क्या पढ़ना है कि हमें स्टेम्स की कुछ और डिटेल्स के बारे में रीड करना है। स्टेम जो बेटा हम अपने आसपास देखते हैं ना, तो प्लांट्स ना, हमें कुछ प्लांट्स एकदम इरेक्ट खड़े हुए दिखाई देते हैं, एकदम जैसे हम अपने आसपास ट्रीज देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ऐसे ट्रीज भी देखते हैं, ऐसे प्लांट्स भी देखते हैं। अगर मैं प्लांट स्पेसिफिकली वर्ड यूज करूं तो ऐसे प्लांट्स भी तो जो जमीन पे गिरे हुए हैं, जैसे जिसको हम बेल कहते हैं, बेल समझते हो ना, जैसे कद्दू की बेल होती है, तो वो कभी भी इस तरीके से कद्दू इस तरीके से नहीं लगता, कद्दू जमीन पे इस तरीके से गिरा होता है क्योंकि उसका जो स्टेम है वो बहुत ही वीक है, पतला है। यानी स्टेम्स हमारे पास कैसी हो सकती हैं, या तो स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, या स्टेम्स कैसे हो सकती हैं बेटा हमारे पास वीक। इस तरीके से हमने यहाँ पे कैटेगराइजेशन कर दिया है, एक स्ट्रॉन्ग, इधर स्ट्रॉन्ग स्टेम्स, और दूसरा एक वीक स्टेम्स, राइट। स्ट्रॉन्ग स्टेम्स क्या है वो आज के अपने लेक्चर में पढ़ना है। अगर स्टेम स्ट्रॉन्ग है तो बेटा वो सीधी खड़ी है, इरेक्ट खड़ी है, तो दीज कैन सपोर्ट देयर ओन इरेक्ट स्ट्रक्चर, एकदम सीधे खड़े हैं, इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये काम किसका है बेटा, स्ट्रॉन्ग स्टेम्स का। हमारे लेक्चर का बेटा ये आखिरी टॉपिक है, तो ध्यान से इसको देखते रहना। स्ट्रॉन्ग स्टेम्स का ये नाम अलग अलग दिए जाते हैं, ये नाम आपके पास क्वेश्चंस में मल्टीपल टाइम्स रिपीट होंगे, तो नाम ध्यान रखना। पहला नाम है एक्स करंट, और एक्स करंट है द ग्रोथ ऑफ द मेन एक्सिस इज मोर देन द ग्रोथ ऑफ द लेटरल ब्रांच, और इससे प्लांट की शेप कोनिकल हो जाती है। क्या कहने का मतलब है, जो ये इस तरीके से मेन एक्सिस ग्रो करता रहता है, अब देखो जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो ब्रांचेस इससे बड़ी बड़ी, इससे भी मेन एक्सिस से ऊंची ऊंची ब्रांचेस नहीं निकल रही, नो दिस इज नॉट द केस। जो हमारे पास ब्रांचेस हैं वो इस तरीके से मेन एक्सिस से छोटी हैं, मेन एक्सिस बढ़ते जा रही है और ब्रांचेस इस तरीके से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलते जा रही है, तो रफली प्लांट की शेप बेटा इस तरीके से कोनिकल मिलती रहती है। तो ऐसी कंडीशन को अपन टर्म करते हैं एक्स करंट, द ग्रोथ ऑफ द मेन एक्सिस इज मोर देन द ग्रोथ ऑफ द मेन ब्रांचेस, तो मेन एक्सिस बढ़ता रहता है, जो लेटरल ब्रांचेस है वो इतना ज्यादा ग्रो नहीं करती, तो रफली प्लांट की शेप किस तरीके से होती है, कोनिकल निकल आती है। नेक्स्ट है डी करंट, जिसको डेलिक्वेसेंट कहते हैं। डी करंट क्या कहते हैं, लेटरल ब्रांचेस ग्रो मोर देन द एक्सिस। अब कंडीशन क्या हो रही है कि यहाँ पे इस वाले डायग्राम को हम हटाते हैं,
और बोलते हैं सिंपल सा क्या हुआ, ये हमारे पास प्लांट है, यहाँ पे मेन एक्सिस धीरे 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 ग्रो कर रहा है, लेकिन जो इससे निकलने वाली ब्रांचेज हैं वो इस तरीके से खूब ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, जैसे ब्रांचेज की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है। तो अगर ब्रांचेज की ग्रोथ ज़्यादा है तो रफली देखते हैं प्लांट की शेप इस तरीके से गोल गोल सी, जैसे एक आम के पेड़ की होती है वैसी सी शेप दिखा देती है, कोनिकल शेप नहीं आ रही, स्फेरिकल सी शेप ले लेता है, ऐसा कि लेटरल जो ब्रांचेज हैं वो ज़्यादा ग्रो कर रही हैं एज कम्पेयर टू द एक्सिस मेन जो पॉइंट है, इसलिए प्लांट की रफली स्फेरिकल सी शेप होती है, एक नॉर्मली जो शेप हमने आसपास दिखाई देती है, राइट। तीसरा होता है कल्म, और ये तो वर्ड ऐसा है कि भैया सोते जागते जब आपको याद आ जाए कब वर्ड याद रख लेना, क्योंकि पेपर में आएगा, चाहे एनसीईआरटी ने बोला नहीं बोला अपने को कोई मतलब नहीं, पेपर में आएगा। तो वर्ड क्या कहता है, स्टेम इज हॉलो, बांस लो, बैम्बू लो, जस्ट कट इट, अंदर से खोखला मिलता है, स्टेम इज हॉलो विद स्वोलन नोड्स, ऐसा ही तो मिलता है बांस बेटा, बांस इस तरीके से मिलता है, यहाँ से अंदर से खोखली है स्टेम, इरेक्ट है, स्ट्रॉन्ग है, सीधे खड़ा है बांस, लेकिन जो ये वाला पोर्शन जो आपके पास नोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये वाला पोर्शन स्वोलन है, राइट। तो ऐसे स्ट्रक्चर को अपन टर्म करते हैं कल, क्या आपको मेरी बात क्लियर हुई। तो इसके साथ साथ बेटा यहाँ पर आज हमारा फिनिश होता है स्ट्रॉन्ग स्टेम्स, स्ट्रॉन्ग स्टेम्स के बाद अपने को वीक स्टेम्स पढ़ने हैं, और वीक स्टेम्स के बाद हमें देखने हैं स्टेम्स की टोटल मॉडिफिकेशन टाइप्स क्या क्या होती हैं, वो हम देखेंगे कल अगले नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर। तो आज की कहानी यहाँ पर होती है बेटा फिनिश, तो इसके साथ साथ अलविदा, टाटा, गुड बाय, गुड बाय, और जितनी बातें मैंने आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में बेटा तुम्हें समझाई बताई और याद दिलाई उनको याद रखना, लंबी रेस है बेटा, और खूब मेहनत करते हुए चलते जाना, राइट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।